नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान से आने वाले वो 48 सवाल जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों वो 48 सवाल। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान से जो पूछे जाने वाले सवालों में से एक हैं जिनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 1969 में इसको स्थापित किया गया था, गठन जो है, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बेंगलुरु में है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन गए, इसका जो गठन है वो कब किया गया था और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यूरी गागरिन थे जो कि रूस से आते हैं। चंद्रमा पर चरण रखने वाले या प्रथम व्यक्ति ऐसे कौन से थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा? तो वो दोस्तों थे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों वैल्टीना तेरेश्कोवा जो कि रूस से आती हैं। ठीक है, अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? दोस्तों कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास और चहलकदमी अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों सुनीता विलियम, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, दूसरी महिला हैं। दोस्तों अगर कहा जाए अंतरिक्ष जाने वाली पहली अंतरिक्ष जाने वाला जानवर कौन सा था? तो लाइका नाम की जो विच थी वो गई थी। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो दोस्तों डेनिस टीटो। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहां पर किया गया था? तो दोस्तों स्पेस शटल के दौरान किया गया था। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का क्या नाम था? दोस्तों कोलंबिया नाम था। ठीक है, भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों मैट सैट कल्पना वन के नाम से जाना गया इसे। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान एक का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया? तो इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी थी, 22 अक्टूबर 2008 का दिन था। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित हरिकोटा स्पेस सेंटर का नाम क्या है अब? दोस्तों प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई को जाता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या था? दोस्तों सविता रानी है। इसरो का पूरा नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इनसेट का पूरा नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को किया गया। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों अगर संचार उपग्रह की बात करें तो उसका नाम था एप्पल। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों इनसेट 1A। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह का क्या नाम था? दोस्तों सोरोस ए। अंतरिक्ष संगठन जो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो है उसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों को योजना बनाना, उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें कार्यान्वित करना। भारत द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो सन 1972 में की गई। अंतरिक्ष आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंगलुरु में है, इसरो के नाम से जानते हैं इसे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन रहकर उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया? तो दोस्तों बीकानेर से छोड़ा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों यह किया गया 1962 में। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल 7 है। वह मानव रहित बग्गी जिसे चंद्रतल पर चलने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों वह है लूना खोद 1, रूस की है ये। अंतरिक्ष जाने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन थी? तो दोस्तों सैली राइड थी, 1983 में गई थी। चंद्रतल पर मनुष्य से उतरने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों अमेरिका से आए थे नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने कि पहला कदम रखा था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो एलेक्सी लिनोवो, 1965, रूस से आते थे। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एल्बर्ट व्हाइट थे। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा के समय भारत को अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना था? दोस्तों 14वां राष्ट्र बना था। अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो दोस्तों एलन कॉलिंस थी।
चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान कौन सा था दोस्तों? अपोलो 8 था दोस्तों, याद रखिएगा। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम एशियाई कौन था दोस्तों? फाम तुआन, वियतनाम से आते हैं, 1980 में गए थे। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? जेरी रोस, अमेरिका से, 2002। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। रॉकेट से अंतरिक्ष में पहला जाने जानवर जो गया वो था अल्बर्ट नाम का बंदर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों 19 अप्रैल 1975 के दिन स्थापित किया गया। प्रथम स्वदेशी निर्मित इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया 10 जुलाई 1992 को। भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? पहले भारत पर खुद का सेंटर नहीं था उपग्रह प्रक्षेपित करने का, तो ये विदेशों से ही प्रक्षेपित होते थे, तो रूस के कॉस्मोड्रोम से। भारत का संचार उपग्रह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के आवी में प्रथम संचार ग्रह। भारत का प्रथम वाणिज्यिक संचार ग्रह का उपग्रह का नाम बताइए? तो अलीबर्ड। भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताइए? तो दोस्तों IRS-1A। तो दोस्तों ये 48 क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाते हैं अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें भारत का भी हो गया इसरो का भी हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।